Everyone, welcome to the online classes of Angan Public School. Today we will study ENV chapter number 4, the story of Amrita. इस चैप्टर में अमृता नाम की एक गर्ल है जो राजस्थान के छोटे से विलेज में रहती है और उसकी लाइफ स्टाइल, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ कैसे रहते हैं, उनके नेचर कैसे हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको करूँगी इस चैप्टर में. ओके, नाउ we will start this chapter. This is a true story from long long ago. ये जो story है वो सच्ची हकीकत है और जो बहुत सालों पहले की है. Almost 300 years ago, 300 साल पहले की बात है. In a village called Khejadi lived Amrita. अमृता जो नाम की girl थी वो खेजाड़ी विलेज में रहती थी. खेजाड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. ये जो विलेज है वो जोधपुर के पास है राजस्थान में. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजाड़ी ट्रीज दैट ग्रू थ्रू. ये विलेज का जो नेम है वो यहाँ के ट्रीज पे से नेम रखा गया है. वहाँ पे खेजाड़ी ट्रीज ज़्यादा ग्रो होते थे, इस वजह से इस विलेज का नेम खेजाड़ी रखा गया है. द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. यहाँ के जो लोग थे वो ट्रीज, प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत केयर करते थे. केयरिंग पीपल थे वहाँ पे, जो आपस में भी एक मेक का ध्यान रखते थे और एनिमल्स और प्लांट्स का भी बहुत ख्याल रखते थे. गोट्स, डियर, हेयर एंड पीकॉक रोम फियरलेसली देयर. यहाँ पे जो भी गोट थे, डियर थे, हेयर मतलब रैबिट, रैबिट को आप हेयर भी कह सकते हो, एंड पीकॉक रोम फियरलेसली. यहाँ पे ये सारे एनिमल्स बिना डरे कहीं भी घूम सकते थे. जनरली जो एनिमल्स होते हैं वो इंसान से डरते हैं और इस वजह से वो कहीं फ्रीली नहीं घूम पाते. तो यहाँ के जो भी एनिमल्स थे वो फ्रीली रोम करते थे, यहाँ से वहाँ घूमते थे. द पीपल ऑफ दिस विलेज रिमेंबर दैट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम. यहाँ के जो पीपल थे वो याद रखते थे, यानी उनको ये चीज़ें याद रहती थी कि हमारे जो एल्डर्स थे, पूर्वज थे, वो क्या कहते थे. दे यूज टू से अगर पेड़ है तो हम हैं. जो उनके एल्डर्स थे, जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो ये कहते थे अगर पेड़ है तो हम हैं. इट मींस अगर प्लांट्स है वो हेल्दी है तो हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहता है, हमारा नेचर भी हेल्दी रहता है और फिजिकली भी हम फिट रहते हैं. अगर एटमॉस्फेयर में ट्रीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फ्रेश फील करते हो आप. ये कहा, ये उनके एंसेस्टर्स कहते थे. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. जो plants and animals हैं वो हमारे बिना रह सकते हैं, अगर हम हैं या नहीं हैं, then also they can survive properly. But हम human beings उन पर depend होते हैं, animals and plants पर depend होते हैं. जो plants होते हैं वो हमें oxygen देते हैं. ओके, इस वजह से हमें टोटली उन पे डिपेंड रहना होता है. हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं. ओके, इट मींस इनडायरेक्टली नहीं बट डायरेक्टली हम उन पे ही डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे. ओके, अमृताज फ्रेंड. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड द ट्री. अमृता है वो सुबह जल्दी उठ जाती है, अर्ली मॉर्निंग पे गेटअप हो जाती है और उनके जो फ्रेंड हैं उनसे मिलने जाती है, जो एक ट्री है. वहाँ के जितने भी किड्स हैं वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा लव करते हैं ट्रीज़ को, प्लांट्स को. ओके, तो यहाँ जो अमृता है आप पिक्चर में देख सकते हो, वो अमृता को प्लांट से ज़्यादा लगाव था, ट्री से ज़्यादा लगाव था, इस वजह से वो उसे अपना फ्रेंड मानती थी. शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे.
हर दिन वो क्या करती थी, कोई भी एक स्पेशल ट्री चूज करती थी। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। वो क्या करती थी, जो भी ट्री रहता था, स्पेशल ट्री जो सिलेक्ट करती थी, उस ट्री को वो हग कर लेती थी अच्छे से, और फिर आर्म्स अराउंड करके वो उसे विस्पर करती थी, यानी उसे कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। वो ये कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, आप बहुत ही स्ट्रांग हो और बहुत ही खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, यू केयर फॉर अस, आप हमारा ध्यान रखते हो, थैंक यू ट्री, और थैंक्स करते थे, आई लव यू सो मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमें अच्छे से स्ट्रेंथ दीजिएगा, ताकि हम भी इस तरीके से कोई भी वर्क में, कोई भी काम में हमें स्ट्रेंथ मिले। इस वजह से वो ट्री को ऐसा कहती थी। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री। जैसे अमृता का एक स्पेशल ट्री था, उसी तरीके से सारे जितने भी चिल्ड्रंस थे उनके अपने अपने स्पेशल ट्री थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड्स ऑफ द ट्री। कई घंटे तक वो लोग उनके शेडो के अंदर खेलते थे, उनके साथ रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। अब आपसे ऐसा पूछा गया है कि कहीं भी आपके घर के पास, आप जहाँ जाते हो वहाँ, आपके स्कूल के एरिया के आसपास कहीं भी आपको ऐसे ट्रीज दिखाई देते हैं, कहीं भी प्लांट्स हैं, आपसे पूछा गया है। वाई वेयर दे प्लांटेड ट्रीज, हम प्लांट क्यों करते हैं ट्रीज को, अब आपसे ऐसा पूछा गया है, तो हम कहेंगे ट्रीज प्यूरीफाई एयर। मैंने आपको पहले ही कहा था, जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें अच्छी सी एयर देते हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखते हैं, हमें फ्रेश क्लीन ऑक्सीजन देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, ट्रीज प्यूरीफाई एयर, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, वी फील कूल इन द शेड्स ऑफ ट्री, वी फील कूल इन द शेड्स ऑफ ट्री। यानी ट्री की जो शेडो होता है उसमें हमें एकदम फ्रेश एंड कूल महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है। फिर हम लिख सकते हैं, ट्रीज कीप्स द एटमॉस्फियर कूल। जो ट्रीज होते हैं वो हमारा टेम्परेचर थोड़ा कूल रखते हैं, तो हम लिखते हैं ट्रीज कीप्स द एटमॉस्फियर कूल। ट्रीज होते हैं वो एटमॉस्फियर कूल रखते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री, हु डज दिस। अब आपसे ऐसा पूछा गया है कि इस तरीके से ट्रीज की केयर कौन करता है और कौन इस तरीके से केयर रखता है, वो आपको बताना है। तो हम यहाँ लिखते हैं गार्डनर। जो भी ट्रीज़ का केयर करता है उसे हम गार्डनर कहते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे यस। पहले आपसे पूछा गया है कि आपने कहीं ऐसा देखा है कि ट्रीज़ की कोई केयर करता है, सो वी विल राइट यस ओवर देयर। यस इन द गार्डन नेक्स्ट टू माई हाउस आई हैव
seen the gardener taking care of the trees. I have seen the gardener taking care of the trees. ओके गार्डनर जो होते हैं वो ट्रीज़ का ख्याल रखते हैं, उसे हम हिंदी में माली भी कहते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दिस फ्रूट्स. जो आपने कहीं ऐसा देखा होगा कि कहीं ट्रीज़ के ऊपर कोई फ्रूट्स अगर ग्रो होते हैं और वो फ्रूट्स कोई ईट करता है तो वो कौन ईट करता है, वो आपसे पूछा गया है. ओके तो हम यहाँ लिखेंगे येस आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन द फ्रूट्स. सो फर्स्ट वी विल राइट येस आई हैव सीन ग्वावा. ग्वावा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अमरूद कहते हैं. देन चीकूस, पोमोग्रेनेट, लेमन एंड मैंगो ट्री. growing in our farm. फार्म हाउस में इस तरीके से अलग अलग वेराइटीज़ के फ्रूट्स ग्रो होते हैं, उसकी बात हम कह रहे थे. ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मेल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाई एनी वन. डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बींग प्लांटेड बाई एनी वन. अब आपसे ऐसा कहा गया है जो ललिता है उसके स्कूल के वॉल के पास ऑटोमेटिक छोटी छोटी ग्रास ग्रो हो जाती है, थोड़े अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. क्या आपने कभी ऐसा देखा है जो कहीं विदाउट ग्रो किए भी इस तरीके से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं? यस, कई कबार गार्डन में ऐसा होता है, वहाँ पे कोई प्लांट स्पेशल करने नहीं जाता बट वहाँ इस तरीके से छोटे ग्रास ग्रो हो जाते हैं और जो एकदम फ्रेश फील करवाते हैं आपको. ओके सो वी कैन राइट हियर येस आई हैव सीन प्लांट्स growing growing. Okay, we can write this much also. Okay, yes, I have seen this type of small grass and plants. Next question, why do you feel they are growing on their own? अब आपको कैसे ऐसा लगता है कि वो उनके मर्जी से ऑटोमेटिक इस तरीके से ग्रो हो रहे हैं? ओके so we can write that usually plants do not grow without their seeds. Yes, plants do not grow without their seeds. विदाउट सीड्स कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, ये कहा गया है. सीड्स ऑफ ग्रास प्लांट और ट्री स्प्रेड ओवर वास्ट एरिया ड्यू टू विंड.
ग्रास प्लांट और ट्री के इस तरीके से जो भी सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, फैलते हैं ड्यू टू विंड, हवा के ज़रिए। हवा आप कह सकते हो, कोई साइक्लोन होता है वो कह सकते हो, या फिर रेनफॉल आप कह सकते हो। तो इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह अगर सीड्स हम डालते नहीं हैं तो ये नेचुरली एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नेचुरली। ओके ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीज़ इन डेंजर। अब यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी जो ट्रीज़ के बारे में आपसे कही गई है। ओके सो वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी। टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे टाइम जा रहा था फिर एक नए नए राजा आ रहे थे। ओके टाइम, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अमृता जो थी वो अच्छी बड़ी गर्ल हो चुकी थी, ग्रोन अप हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्री, एक दिन वो अपने ट्री को मिलने के लिए गई। शी सॉ दैट देयर वेर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, उसने क्या देखा कि कोई अननोन पर्सन है, कोई स्ट्रेंजर है जो उनके गांव में आए हैं। दे हैड एक्सेस विथ देम, वो अपने साथ एक्सेस लाए थे। एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हो, ये जो दोनों पर्सन हैं, मैन हैं, उनके हाथ में इस तरीके से जो एक्स दिया गया है उसे कुल्हाड़ी कहते हैं, वो है। दे सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज फॉर वुड्स, उन्होंने ऐसा कहा अमृता को कि हमें यहाँ के राजा ने भेजा गया है टू ब्रिंग वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, वहाँ पे जो जंगल था वहाँ से हमें क्या कहते हैं वुड, यस उस वुड्स को लाने के लिए भेजा गया था। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, जो वुड था वो उन्हें चाहिए था क्योंकि उन्हें किंग का जो ये पैलेस था वो बनाने के लिए। ओके तो राजा ने उन्हें कहा कि आप जाके इस तरीके से वुड लेके आइए। हमेशा अगर आपको वुड चाहिए होता है तो आपको ट्रीज़ को ही कट करना होता है, तब जाके आपको वुड मिलता है। अमृता वॉज शॉक, अमृता एकदम शॉक में आ चुकी थी। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट, जो इंसान वो ट्री को कट कर रहा था तो अमृता उस ट्री के पास गई और उसे टाइटली हग कर लिया। अब वो कट करने जा रहा था और वो बीच में आ गई और उसने कहा कि नहीं, आप ये इस तरीके से ट्री नहीं कट कर सकते हो। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्रीज एंड हग इट टाइटली, उसने अपने हाथ उस ट्री के आसपास लपेट लिए थे और उसे एकदम टाइटली हग कर लिया था। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो फॉर द ट्रीज, वो जो पर्सन थे जो ट्रीज कट करने आ रहे थे उन्होंने उस अमृता पे बहुत चिल्लाया, उसे डराया, धमकाया और बहुत सारा कहा, तो भी अमृता ने वो ट्री को छोड़ा नहीं और एकदम टाइटली होल्ड करके रखा था। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर्स, और जो मैन था उन्हें अपने राजा के जो आदेश थे उसे मानना ज़रूरी था, अगर वो अपने राजा का आदेश नहीं मानता तो उसे पनिशमेंट मिलती, इस वजह से वो अपने ऑर्डर्स पे अड़ा रहा। दे हैड टू कट द ट्रीज, और उन्हें वो उस ट्री को कट करना ही ज़रूरी था। ऑन सीइंग दिस अमृताज डॉटर एंड हंड्रेड ऑफ विलेजर्स, ये देखने के बाद वहाँ के जितने भी लोग थे, पर्सन थे, वो सब लोगों को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ बहुत गलत हो रही है, इस वजह से वो सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए। एंड विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, वहाँ के जितने भी लोग थे उन सब ने उस ट्री को टाइटली हग कर लिया और कोई किसी को कट ही नहीं करने दे रहा था। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज, अमृता और उनके जितने भी डॉटर्स थे उन सब ने यही चीज़ को फॉलो किया और वो ट्रीज़ को बचाने में उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ट्रीज़ को बचाने के लिए वो खुद मरने के लिए आगे आ गए थे, तो आप सोच सकते हो उन्हें कितना डेडिकेशन होगा टू प्रोटेक्ट दिस ट्रीज़। ओके व्हेन द किंग
heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. ये देखने के बाद, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ के हमारे विलेजर्स जो हैं वो ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ जोखिम में डाल सकते हैं या अपनी लाइफ एंड अप कर सकते हैं। तो ये सोच के वो उन लोगों को भी बहुत शॉक फील हुआ। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। देयर ही लर्न अबाउट विलेजर्स रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ का जो किंग था वो अपने विलेजर्स को देखने गया था, वहाँ ऑब्जर्व करने गया था कि जो ये उन्होंने बात सुनी थी वो सही है या नहीं। फिर वहाँ जाने के बाद उसे पता चला कि यहाँ के जितने भी लोग थे वो ट्रीज़ का और एनिमल्स का बहुत केयर करते थे, इतने रिस्पेक्ट करते थे कि उनके दिमाग में भी ये ख्याल नहीं आता था कि हमें इन्हें हार्म करना चाहिए। आप सोच सकते हो कि उन लोगों के बीच में कितनी आस्था थी, कितनी रिस्पेक्ट थी फॉर ट्रीज़ एंड एनिमल्स कि अपनी लाइफ को वो एंड अप करने के लिए रेडी हो गए थे। और ये ट्रू हकीकत है, वहाँ के लोगों ने ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ एंड अप कर दी थी। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस ओवर हियर। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? यस, हमने आगे देखा था कि यहाँ के जो विलेजर्स के एल्डर्स थे वो क्या सोचते थे ट्री के लिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं, ओके, क्योंकि वहाँ के विलेजर्स ऐसा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think we could survive if there were no trees and animals discussed in your class? जब regular lectures हो गए तो ये चीज़ हम आपस में discuss करेंगे that we cannot survive without trees and animals. Animals on trees के बिना हम survive नहीं कर सकते, okay? 22 Okay students, we will stop our lecture over here. आज के लेक्चर में हमने अमृता की स्टोरी देखी थी, ओके, एंड प्रिपेयर दिस स्टोरी वेरी वेल एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, गुड बाय।